भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने चारों तरफ कोहराम मचा कर रखा है। हर तरफ हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। किसी को बेड नहीं मिल रहा तो कोई ऑक्सीजन के अभाव में है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि हर किसी को अपनी जान बचाना मुश्किल लग रहा है। संकट के इस दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जो असहायों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वो इस वक्त में किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। सोनू हर परिस्थिति में पूरे हौसले के साथ सोशल मीडिया के जरिए निसहायों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं संकट के समय में सोनू ने उन लोगों के लिए सोशल मीडिया के जरिए खास संदेश लिखा है, जो 15 अगस्त के दिन अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 15 अगस्त को देशभक्ति दिखाने वालों के लिए खास संदेश, देश के लिए कुछ करने और देशभक्ति दिखाने का इससे जरूरी समय कभी नहीं आएगा। वहीं इस ट्वीट के साथ उन्होंने तिरंगा और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शेयर किया है। देखा जाए तो सोनू ने इस ट्वीट के जरिए लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया है। मालूम हो कि सोनू सूद महामारी की शुरुआत से ही लोगों तक लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मदद भारत के लिए हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे किसी को उनके अपनों से मिलाने की बात हो या किसी को हॉस्पिटल में बेड दिलाने की। सोनू हर तरह से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सोनू ने मध्य प्रदेश में लोगों को ऑक्सीजन भिजवाया है। इससे पहले सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा कि इन दिनों लोग तीन चीजें ही मांग रहे हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड्स। हर तरह से मदद में जुटे सोनू ने यह भी लिखा कि वो कभी कभी सहायता करने में सफल हो जाते हैं तो कभी कभी असफल। बता दें कि एक्टर की दरियादिली को देखते हुए उन्हें कई तरह से सम्मानित किया जा चुका है, जहां हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खास अंदाज में उन्हें सलाम किया था। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।